जी तो व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह से हमारी टोकरी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये जब उधर बरी में दिखाई जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरह चीज़ें डेकोरेट करने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और टोकरी में देखें चीज़ें कितनी अच्छे तरीके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिस्सों में मान में रखे। जी तो व्यूअर्स, शादी की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, और शादी किसकी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। व्लॉग आपने पूरा देखना है, और वीडियो आपने पूरी वॉच करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूला करें, और अच्छा से कमेंट भी कर दीजिए करें। तो जैसे कि आपके सामने ज्वेलरी, एक टोकरी मेरे पास सजी हुई रखी है, लेकिन अभी मैंने इसको मज़ीद सजाना है। ये मैंने इसको डेकोरेट तो किया था, लेकिन हुआ ऐसे कि ये टोकरी नीचे गिर गई थी, थोड़ी सी ऊंचाई पे रखी हुई थी और टोकरी नीचे गिर गई थी, तो इस वजह से ना क्या कहते हैं वो सारा सामान जो था ना वो बिखर चुका है। तो इधर मैंने जनाब ये कुछ कैचर्स के पैकेट हैं, ये मैंने इधर लगाए हुए हैं, ये कैचर के पैकेट हैं, और ये पोनिए हैं तीन अदद मेरे पास यहाँ पे कलर फुल सी। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू कलर में है, एक पिंक कलर में, एक ब्लैक कलर में, और ये पोनी इसकी है यहाँ पे लगनी है। ये देखिए पोनी वाला बॉक्स है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, इसके अंदर भी हर किस्म की पोनी है, तो ये भी मैंने टोकरी के अंदर लगा दी थी। ये देखें एक बॉक्स ले लिया था फुल, वो कवर कर दिया था। आपने बताना है कि ये टोकरी कैसी लगी। आप भी अगर अपने भाई की, अपने देवर की, किसी की भी ऐसे बरी वगैरह लेके जाते हो, लेके जाते हैं कपड़े वगैरह सामान वगैरह, तो इस तरह की टोकरी बना ले, अच्छा लगता है। तो मैंने जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब मैंने भी ऐसी डेकोरेट की थी एक टोकरी, तो फिर अब जो मेरे देवर की शादी होने वाली है, अल्लाह ताला खैर आफियत से हो जाए शादी, और उसकी टोकरी तैयार की है, तो उसकी भी मैंने वैसी ही टोकरी तैयार की है जैसे मैंने अपने भाई की तैयार की थी। तो ये पोनी है और ये कड़े हैं। ये जो ये ज्वेलरी जो है ये हम वलीमे वाले दिन पहनाएंगे दुल्हन को, और ये चूड़ियाँ हैं, और भी चूड़ियाँ हैं लेकिन वो अलग से रखी हुई हैं, तो ये भी इसको भी डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे और हम मज़ीद हमारे पास ये परांदा है, ये देखें इसको मैंने लगा दिया था, डेकोरेट कर दिया था अच्छे तरीके से। ये गिर गया था, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे सारा सामान हुआ पड़ा है। ये देखें कितना खूबसूरत और कलरफुल लग रहा है, ये ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो चूड़ियाँ हैं हम ये पोनी वगैरह लगाएंगे इधर साइड भी करके, क्योंकि बाकी चीज़ें भी लगानी है। ये निकाल लेते हैं, इसको भी इधर ही कर देते हैं पोनी को, इन दोनों को इधर लगाते हैं, चूड़ियाँ रखेंगे इधर। साइड पे लगा दिए ये चूड़ी वाला एक सेट ये है, और ये चूड़ी वाला सेट ये है हमारे पास, और ये चूड़ियाँ आएंगी मज़ीद हमारे पास, ये चूड़ियाँ आएंगी ऐसे करके रखेंगे, खूबसूरत लगेंगी। तो ये आ गई हमारी चूड़ियाँ, बहुत खूबसूरत सेट है चूड़ियों का और कैचर्स का भी। तो अभी मैं इसको टेप के साथ कवर करती हूँ, ये मैं टेप लेके आई हूँ, गुड़िया भी आ गई। तो व्यूअर्स जो हमने पैकिंग करनी थी वो तकरीबन हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे मैंने टेप के साथ ही कवर कर दिया, देखें बहुत फिट तरीके से हो गए हैं ये देखें। तो ये भी जो चूड़ियाँ भी मैंने फ़िट कर दी हैं, परांदा हमारा फ़िट हो गया, कैचर्स हमारे फ़िट हो गए हैं, पोनीज हमारी फ़िट हो गई हैं। अब जनाब हमने क्या करना है, इसको कवर करना अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से कवर करने के बाद ये देखिए ऐसे हो जाएगी, ऐसे ये हमारी कवर हो गई। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत सी टोकरी तैयार हो गई है हमारी। तो आई होप सो आपको ये टोकरी पसंद आई होगी। अभी मैं इसके ऊपर फ्लावर लगाती हूँ, तो आपको लास्ट लुक इसकी चेक करवाती हूँ।
फिर मैं दिखाती हूँ आपको जी। तो व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह से हमारी टोकरी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये जब उधर बरी में दिखाई जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो इस तरह चीज़ें डेकोरेट करने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और टोकरी में देखें चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से आ गई हैं, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें